वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन से भी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर पहाड़ खिसकने की वजह से आसपास के पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शिमला हाईवे पर एकाएक पत्थरों की बारिश होने लगी, इस दौरान वहां से जा रहे लोगों की जान बाल बाल बची। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये उसी हादसे की तस्वीर है, कैसे अचानक रास्ते पर पत्थर गिरने लगे और इस दौरान गाड़ी पर पत्थर गिरते दिखाई दिए तो कुछ गाड़ी वाले अपनी तेजी से गाड़ी को वहां से निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। तो ये आप देख सकते हैं, हाईवे पर पत्थरों की बारिश हो रही है और हमने देखा है कि जो पहाड़ी राज्य हैं बारिश के मौसम में ऐसा होता है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी रही, जो यहाँ से कार सवार गुजर रहे थे उनकी जान बाल बाल बची। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे अगर यहाँ पर कुछ सेकंड्स का फासला है नहीं तो ये पत्थर इन गाड़ियों के ऊपर गिरते, जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी और कार सवारों की कोशिश भी यही थी कि जल्दी से आगे निकला जाए। हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बनकर बरस रही है और लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश लगातार जारी है, कई इलाकों में 10 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों पर सैलाब का सितम, सैलाब के संकट के बीच जिंदगी की जंग, की मार हर तरफ हाहाकार। पहाड़ी राज्यों में बारिश और बाढ़ से बदहाली का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भीषण बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी और नाले उफान पर हैं, जिसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ा है। बारिश लोगों के लिए कहर बनकर बरस रही है। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए गए कई लोग भारी बारिश के बाद शमशान घाट में फंस गए। अचानक से पानी का बहाव इतनी तेज हो गया कि वहाँ अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद शमशान घाट में फंसे लोगों ने छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची। पहले मशीन की मदद से पानी निकालने के लिए रास्ता बनाया गया और फिर रस्सी की मदद से एक एक कर वहाँ फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला गया। बारिश के कारण है जी, कचरा वगैरह मतलब रुक गया, बीच इस करके पानी हो गया। कितने लोग फंसे? 100 आदमी है। सभी सुरक्षित बाहर? हाँ, सारे सुरक्षित बाहर है, कोई ऐसी बात नहीं। बताया गया कि शमशान घाट में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जो अचानक आए पानी की वजह से फंस गए थे। सोलन में भी भारी बारिश के बाद हालात खराब हो गए। बारिश के बाद वहां कई जगहों पर पानी भर गया। सोलन में कोटी से सावरा रेलवे स्टेशन के बीच बने टनल में भी पानी भर गया। यहां पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक पानी में डूबा नजर आया, जिससे इस रूट में ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है और मौसम विभाग ने 10 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में यहाँ हालात और भी खराब हो सकते हैं। और बादलों का आपातकाल लगातार उत्तराखंड के कई इलाकों में जारी है। मौसम विभाग ने यहां पर 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच तेज हवा के साथ साथ भारी बारिश होने का अनुमान भी है और इसके साथ ही जमीन खिसकने की भी आशंका जाहिर की गई है। हम आपको बताते हैं कि आखिर किन किन जिलों में इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, तो एक एक करके हम आपको बताएंगे। देखिए, उत्तराखंड में जो बागेश्वर जिला है यहाँ पर खराब मौसम रहेगा, इसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें टिहरी भी एक है। बताया गया है कि आने वाले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में जमीन खिसक सकती है। बिल्कुल, तो मौसम विभाग की माने तो 9 जुलाई तक उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है और ये देहरादून ये वो इलाका है जहां पर बारिश होगी। इसके अलावा पिथौरागढ़ की हम बात करें तो इस जिले में भी भारी बारिश का अनुमान है। और उत्तराखंड के इन 4 जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है और खास तौर पर वो इलाके जहां लगातार इस तरह की आफत पहले भी आती रही है और इसीलिए भी लोगों से एहतियात बरतने की बात कही गई है। ऐसे में जबकि देश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं, उत्तराखंड में खास तौर पर कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, रुक करेंगे हम अगली खबर का। दरअसल पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पर्यटकों की कार पानी में बह गई। हालांकि पर्यटकों ने जैसे तैसे
गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उनकी गाड़ी सैलाब में बहती नजर आई। तो ये तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी से सामने आई है, कैसे नदियां उफान पर हैं और कैसे इस समय जाना जोखिम भरा हो सकता है। हालांकि इनकी किस्मत अच्छी रही इन पर्यटकों की कि इनकी जान बच गई, लेकिन नुकसान हुआ, इनकी गाड़ियां तिनके की तरह बह गई। ये तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी से सामने आई है और अंदाजा लगा पाना मुश्किल है इन तस्वीरों को देख करके कि यहाँ पर सड़क कहाँ पर थी। और आपको बता दें कि 9 जुलाई तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में 4 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इस बीच लगातार वहां पर कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तस्वीर हल्द्वानी की आप देख रहे हैं, जहां पर पर्यटकों की एक कार पानी में खिलौने की तरह बहती नजर आ रही है। गनीमत ये रही कि वक्त रहते गाड़ी से ये उतर गए और उन तमाम लोगों की जान बच गई, लेकिन गाड़ी पानी में दूर तक बहती दिखाई दी। गुजरात के महेसाणा में भारी बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया, जिसमें एक बस फंस गई। इंजन में पानी जाने की वजह से बस बीच रास्ते में ही बंद हो गई और इसके बाद मशीन की मदद से अंडरपास में भरे पानी को खाली करवाया गया और फिर बस को वहां से हटाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गुजरात के महेसाणा से, जहाँ पर अंडरपास में बस फंस गई। बस चालक को ये लगा कि वो बस को निकाल लेगा, लेकिन वो भाग नहीं पाया। पानी का लेवल काफी ज्यादा था और फिर पहले उसके बाद मशीन की मदद से अंडरपास में भरे पानी को निकाला गया, फिर बस को वहां से हटाया गया। गुजरात के भी कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, कुछ जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन महसाणा की एक ऐसी तस्वीर, लगातार बारिश के बाद महसाणा के एक अंडरपास में बस फंस गई। बताया गया कि इस अंडरपास से बस ने गुजरने की कोशिश की, लेकिन बीच रास्ते में ही बंद हो गई। गुजरात पर अगले 48 घंटे भारी पड़ने का अनुमान जाहिर किया गया है मौसम विभाग की ओर से। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आइए अब आपको उन जिलों का नाम हम बताते हैं जिनके लिए अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के कुछ जिले हैं जहां अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें से कि अमरेली एक है। बताया गया कि आने वाले 24 घंटों में लगातार मूसलाधार बारिश यहां देखने मिल सकती है। बिल्कुल, तो भावनगर की बात की जहां पर रेड अलर्ट है, अगले 48 घंटे काफी भारी हैं। इसके अलावा रेड अलर्ट जहां पर है वो है आनंद, यहां पर भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जामनगर में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रेड अलर्ट मतलब कि अगले 48 घंटे मूसलाधार बारिश इस इलाके में हो सकती है। साथ ही साथ कच्छ का भी वो इलाका जहां पर लोगों को अलर्ट किया गया है। बिल्कुल, तो अब हम आपको बता रहे हैं ऑरेंज अलर्ट के बारे में, जहां पर सुरेंद्रनगर ये वो इलाका है जहां पर ऑरेंज अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट मतलब भारी बारिश होगी। इसके अलावा भरूच, यहां पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनमें से सूरत भी एक है और यहां अलर्ट कर दिया गया है कि आने वाले 48 घंटे यहां जबरदस्त बारिश हो सकती है। इसके अलावा हम बात करें नवसारी की, तो यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि 48 घंटे गुजरात में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वलसाड भी उन्हीं इलाकों में से एक है जहाँ मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और समुद्री तटों से खासतौर पर लोगों को दूर रहने की हिदायत दी गई है। बिल्कुल, ऑरेंज अलर्ट द्वारिका में भी है। इसके अलावा पोरबंदर, यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के कई जिले जहां पर अलर्ट है, बनासकांठा उन्हीं में से एक है, ऑरेंज अलर्ट, 48 घंटों में यहां मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा पाटन की हम बात करें तो यहां पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के कुछ जिले जहां पर अलर्ट है, साबरकांठा उन्हीं में से एक है, 48 घंटे अगले यहां पर लोगों के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं और इसीलिए लोगों से एहतियात बरतने की बात कही गई है। बिल्कुल, तो भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। कई शहरों से सैलाब संकट की खबर आ रही है, हादसे की तस्वीरें सामने आ रही है और मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी ऐसी ही खबर, लेकिन अलग अलग इलाकों की ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक ट्रैक्टर नदी में बह गया, तो राजस्थान के उदयपुर में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। वहीं चमोली में बारिश के बाद हाईवे पर मलबा गिरने से रास्ता ही बंद हो गया है। और बात करें उत्तराखंड के काशीपुर की, तो सैलाब की वजह से एक मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई। वहीं यूपी के सहारनपुर में कटाव की वजह से एक ट्रैक्टर नदी में गिर गया। तो 5 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। शहर अलग अलग हैं, राज्य अलग अलग हैं, लेकिन तस्वीर एक ही है। हर जगह पानी पानी है और ये पानी बेहिसाब मुसीबतें लेकर के आया है।